सनी देओल की एक फिल्म आई थी जिसमें वो हैंडपंप उखाड़ते हुए नजर आए थे। लोगों को ये सीन काफी पसंद भी आया था। ये फिल्म थी गदर एक प्रेम कथा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सीन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म गदर की जल्द ही सीक्वल फिल्म आ रही है, जिसका फैंस को लंबे समय से इंतजार था। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 का ऐलान कर दिया है। हाल ही में ये जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गदर 2 का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए दी है, और इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 2 दशकों के बाद फाइनली इंतजार खत्म हुआ। दशहरा के पावन अवसर पर गदर 2 का मोशन पोस्टर जारी कर रहे हैं। ये कथा जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। सीक्वल की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से पहले पार्ट की कहानी खत्म हुई थी। कहा जा रहा है कि जब सनी देओल को इस फिल्म की आगे की कहानी सुनाई गई, तो सनी देओल की आंखें भर आई और वे काफी इमोशनल हो गए थे। एक इंटरव्यू में सनी देओल ने बताया कि कई सालों से शर्मा जी और मैं सोच रहे थे कि कैसे इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जाए, ताकि फिल्म की पुरानी छवि पर जरा भी असर ना पड़े और आगे फिल्म भी उसी इमोशन के साथ बनकर तैयार हो पाए। आज हम उस कहानी के साथ तैयार हैं। फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने भी बताया, 2 साल पहले नवरात्रि के ही मौके पर हमारे फिल्म के राइटर शक्तिमान हमारे पास आए और बोले कि फिल्म गदर के लिए मेरे पास एक आइडिया है, तो मुझे स्टोरी पसंद आई। वहीं जब सनी साहब को कहानी सुनाई गई तो उनकी आंखें भर आई। फिर मुझे लगा कि बस इन्हें पसंद आ गई तो इनके टाइप की स्टोरी है और ये जबरदस्त होगी। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा शायद ही किसी ने नहीं देखी होगी। 190 मिलियन के बजट में तैयार की गई इस फिल्म में 1.33 बिलियन रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस फिल्म में एक तरफ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दिखाया गया था, तो साथ ही सकीना और तारा की जोड़ी की लव स्टोरी दिखाई गई थी। आपको बता दें कि गदर एक प्रेम कथा के लिए अमीषा पटेल को 500 लड़कियों के ऑडिशन में चुना गया था। फिल्म में सकीना के रोल में एक्ट्रेस अमीषा पटेल और तारा के रोल में सनी देओल नजर आए थे। वहीं गदर 2 में भी सालों बाद बड़े पर्दे पर अमीषा पटेल और सनी देओल की सुपरहिट जोड़ी फिर से धमाल मचाने के लिए आ रही है। इस फिल्म के जरिए सनी देओल और अमीषा पटेल 20 साल बाद ऑन स्क्रीन साथ दिखेंगे। गदर को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था और उसमें उनके बेटे उत्कर्ष ने तारा सिंह और सकीना के बेटे जीते का रोल प्ले किया था। इस बार की कहानी में सनी देओल के साथ उनका ऑन स्क्रीन बेटा यानी उत्कर्ष शर्मा लीड रोल में होंगे। गदर 2 में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष की ये लीड रोल में दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले वो 2018 में आई फिल्म जीनियस में दिखे थे। उस फिल्म को अनिल शर्मा ने ही डायरेक्ट किया था। गदर 2 को भी अनिल शर्मा ही डायरेक्ट करेंगे। फिल्म की कहानी शक्तिमान तलवार ने लिखी है और इसकी शूटिंग भी जल्द ही शुरू होगी। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।